दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द बेस्ट वन हॉरर पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ मेरी लिखी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी। ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी का अंत बेहद ही रोमांचक है, आपका दिमाग जरूर चकरा जाएगा, इसीलिए इस कहानी का नाम है चरस चुरुली। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमेश और सिया, जिनकी अभी अभी सगाई हुई थी और उनकी शादी को अभी कुछ 6 महीने बाकी थे। सिया एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और रमेश नेटवर्क मार्केटिंग में अपना भविष्य खराब कर रहा था। उसका बस एक ही सपना था, घर के बाहर खुद की BMW खड़ी करने का। सिया के स्कूल में समर वैकेशंस शुरू होने वाले थे और रमेश भी अपने काम से थक चुका था। उन दोनों ने प्लान बनाया कि गर्मियों की छुट्टी में किसी हिल स्टेशन चलते हैं। शादी को भले ही अभी 6 महीने बाकी थे, पर उनका मानना था कि शादी से पहले ये उनकी आखिरी ट्रिप होगी एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। उसके बाद तो पति पत्नी बन के घूमना ही है। उन दोनों ने अपने घर वालों को मनाया और फिर अपनी कार से निकल गए शिमला के लिए। शादी के बाद हनीमून के लिए उन्होंने एब्रॉड प्लान किया था। शिमला सिया को बहुत पसंद था, वो बचपन में एक बार यहां आ चुकी थी, लेकिन अब तक शिमला काफी बदल चुका था। मेन सिटी में अब पहले से बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और शोर भी काफी था। सिया ने रमेश को बोला कि शिमला से थोड़ा दूर रुकेंगे किसी एकांत जगह में। रमेश बोला, हां बेबी, मैंने पहले ही एक सुनसान जगह में एक होमस्टे बुक कर लिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। सिया बोली, प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? रमेश बोला, कार थोड़ी दूर खड़ी करके हमें उस घर तक पैदल जाना होगा। सिया बोली, पैदल? यार मैं पहले ही कार में बैठे बैठे बहुत थक चुकी हूं, अब पैदल भी चलना पड़ेगा? रमेश बोला, अब ज्यादा पैदल नहीं है, बस थोड़ी सी चढ़ाई वाला रास्ता है, 10 मिनट वॉक करके हम वहां तक पहुंच जाएंगे। सिया बोली, अब ठीक है, लगेज तुम ही उठाओगे, मैं कुछ नहीं लेके चलूंगी। रमेश बोला, हाँ हाँ मेरी जान, मैं लगेज भी उठा लूंगा और तुम कहोगी तो तुम्हें भी कंधे पे बिठा के ले चलूंगा। शाम के करीब 5 बजे दोनों शिमला पहुंचे। वहां पहुंचकर रमेश ने उस होमस्टे के ओनर को कॉल किया। कुछ देर बाद होमस्टे का मालिक उनकी कार के पास आया। रमेश ने कार की खिड़की का कांच नीचे किया। होमस्टे का मालिक रमेश को एक चाबी का गुच्छा थमाते हुए बोला, भाई जी, यह रही उस घर की चाबी। फिर उसने बड़े अजीब ढंग से सिया को घूरा। सिया ने अपना दुपट्टा ठीक किया। वह आदमी आगे बोला, मैडम जी, रात में यहां बहुत ठंड होती है, अलमारी से गर्म कंबल और रजाई निकाल लीजिएगा, और आप दोनों की जरूरत का राशन, पानी, तौलिया, साबुन सब वहां रख दिए गए हैं। तभी रमेश की कार का पिछला दरवाजा खुला और पीछे एक 12-13 साल का लड़का आकर बैठ गया। उसने सिर में ऊन की टोपी पहनी हुई थी और बदन में एक पुराना सा हाफ स्वेटर। रमेश ने पीछे पलटकर उसे देखा। कार की खिड़की के पास खड़ा वो होमस्टे का मालिक बोला, ये बल्लू है भाई जी, इसी के घर के सामने आप अपनी कार खड़ी कर लीजिएगा, और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो 8 बजे से पहले फोन कर लीजिएगा, उसके बाद हम कोई सर्विस नहीं दे पाएंगे। रमेश ने खिड़की के करीब मुंह करके धीमे से उस आदमी से कहा, और भाई माल कहां रखा है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए रमेश की आंखों में घूरा और फिर धीमे से बोला, भाई जी, कमरे में जो बल्ब ना जले उसके होल्डर को खोल के देखना, आपका सामान वही मिलेगा। रमेश मुस्कुराया। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। रमेश ने पीछे पलट के उस बच्चे को देखा और कहा, और छोटू, बता कहां जाना है? वो बच्चा कुछ बोला नहीं, बल्कि उसने इशारे से बताया कि सीधे चलो। रमेश ने सिया की तरफ देखा और फिर सिया मुस्कुराते हुए बोली, तो रमेश जहां सर कह रहे हैं वहीं चलो। ओके मैडम, कहते हुए रमेश ने कार आगे बढ़ा ली। वो लोग अब शिमला से आगे निकल आए, शहर पीछे छूट गया था। आगे जंगल वाले हाईवे में रमेश धीमी गति से कार चला रहा था। तभी उसके कंधे पर पीछे से उस बच्चे ने हाथ रखा। रमेश ने पीछे देखा
तो लड़के ने इशारे से गाड़ी दाहिनी तरफ मोड़ने के लिए कहा। रमेश ने सामने देखा, सामने सड़क से जुड़ी एक कच्ची सड़क दाहिनी तरफ जाती थी। रमेश ने अपनी कार उसी सड़क में डाल दी। सड़क कच्ची थी और ऊबड़ खाबड़ भी, कहीं कहीं पर घोड़े की लीद पड़ी हुई थी। रमेश ने तुरंत कार की खिड़कियों का कांच ऊपर चढ़ाया। पूरी कार में बदबू भर गई थी। सिया ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा, ओफो रमेश, तुमने क्या किसी अस्तबल में कमरा बुक किया है? रमेश बोला, हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है। तभी थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक पुराना सा घर दिखाई दिया, जिसके सामने एक छोटी सी क्यारी थी जिसमें सब्जियां लगी हुई थी। आंगन में जल रहे एक चूल्हे में से धुआं निकल रहा था। वहीं पास में कुछ मुर्गियां जमीन में पड़े अनाज के दानों को चुग रही थी। उस घर के पीछे चार पांच खच्चर बंधे हुए थे। कार की पिछली सीट में बैठे लड़के ने इशारा करते हुए कहा कि कार यहीं रोक दो। रमेश ने कार को उस कच्चे रास्ते के किनारे एक खेत में पार्क कर दिया। वो लड़का पहले ही कार से नीचे उतर चुका था। रमेश और सिया ने अपना लगेज कार से निकाला और आसपास देखने लगे। आसपास सिर्फ जंगल था। सामने एक ऊंचा पहाड़ था और पीछे एक गहरी ढलान। चारों तरफ सिर्फ चीड़ के पेड़ थे और ऊपर पहाड़ी की तरफ जाती एक पगडंडी। उस बच्चे ने ऊपर पहाड़ की तरफ इशारा किया। रमेश और सिया ने उस तरफ देखा जिधर उस बच्चे ने पॉइंट किया हुआ था। रमेश और सिया को दूर एक घर की छत दिखाई दी। वो वही घर था जिधर रमेश और सिया के रुकने का इंतजाम था। अब तक 6 बज चुके थे। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप चुका था। रमेश ने उस बच्चे की तरफ देखा और फिर उस ऊपर जाते रास्ते की ओर इशारा करते हुए उस बच्चे से पूछा, क्या इसी रास्ते से जाना है? उस बच्चे ने हां में सिर हिलाया और भागते हुए अपने घर के अंदर चला गया। रमेश झुंझुलाते हुए बोला, शिट यार, इतना ऊपर जाना पड़ेगा? सिया मुस्कुराते हुए बोली, तो ये लगेज तुम उठाने वाले हो ना रमेश? इतना कह के वो आगे आगे उस ऊपर जाते रास्ते में चलने लगी। रमेश ने एक सूटकेस और एक हैंडबैग उठाया और सिया के पीछे पीछे चलने लगा। 2 मिनट में ही दोनों की सांसें फूलने लगी। सिया कमर में हाथ रख कर चल रही थी और रमेश हांफते हुए पसीना पसीना हो गया था। उसने बैग नीचे रखा और एक पत्थर के ऊपर बैठकर सुस्ताने लगा। सिया भी उसके पास आई और बैठकर सुस्ताने लगी। अब हवा ठंडी होने लगी थी। सिया बोली, अब चलो रमेश, सीधे वहीं पहुंचकर आराम करेंगे। रमेश उठा और उसने लगेज हाथ में लिया। सिया ने अपना हैंडबैग थामा और दोनों उस रास्ते में उस घर की तरफ चढ़ने लगे। कुछ मिनट की थका देने वाली चढ़ाई के बाद दोनों उस घर के सामने खड़े थे। वो 2 मंजिला घर बहुत पुराना था पर ठीक ठाक कंडीशन में था। सामने एक दरवाजा था, ऊपर नीचे कुछ खिड़कियां थी। रमेश ने फटाफट उस घर का ताला खोला और दोनों घर के अंदर घुसे। दरवाजे से अंदर जाते ही एक सोफा लगा हुआ था और बीच में एक टेबल रखी हुई थी। सिया ने दरवाजा बंद किया और जाकर दोनों सोफे पर गिर गए। दोनों बुरी तरह से थक चुके थे। वो दोनों बिना कुछ बोले सोफे में पड़े रहे और दोनों की ही आंख लग गई। तभी एक आवाज को सुनकर वो दोनों हड़बड़ाकर खड़े उठे। कोई भारी सी चीज बड़ी ही जोर से जमीन में गिरी थी। रमेश ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। उसने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 8 बज चुके थे। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज घर के अंदर गिरी थी या बाहर। रमेश ने फटाफट लाइट जलाने के लिए स्विच बोर्ड ढूंढा और उसकी सारी बत्तियां जला दी। कमरे के अंदर लाइट जल गई और एक बल्ब घर के बाहर भी जल गया था। बाहर लाइट के जलते ही किसी जानवर के दौड़ने की आवाज आई, मानो जैसे कोई घोड़ा या खच्चर दौड़ा हो। सिया बोली, शायद उस घोड़े ने बाहर कोई चीज गिरा दी होगी। रमेश ने दरवाजा खोला और बाहर जाकर देखा। बाहर अंधेरा हो चुका था। सिया सही थी, बाहर एक लोहे का खाली ड्रम जमीन में गिरा हुआ था।
रमेश ने दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में आ गया। सिया बोली, चलो घर देखते हैं। उस कमरे के पीछे एक और कमरा था, उसके बगल में ही एक किचन था और दूसरी तरफ टॉयलेट। उस कमरे से लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर जाती थी। सिया किचन में चली गई और रमेश सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर एक कमरे में पहुंचकर रमेश ने उस कमरे की लाइट्स ऑन की। वो एक साफ सुथरा बड़ा सा हॉल था जिसमें एक डबल बेड लगा हुआ था। सामने दो बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, एक अलमारी रखी हुई थी और एक टेबल और चार कुर्सियां। रमेश को तभी कुछ याद आया। उसने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसे एक दीवार में एक बंद बल्ब दिखाई दिया। रमेश ने स्विच बोर्ड में नजर डाली। उस स्विच बोर्ड में सभी स्विचेस ऑन थे। वो समझ गया कि ये वही बल्ब है जिसके पीछे इस होमस्टे के मालिक ने माल छुपाया हुआ है। रमेश ने फटाफट उस होल्डर को घुमाकर उसे खोला। उसके पीछे 5 रुपए के सिक्के के बराबर एक काला हरा सिक्के के रूप में माल रखा हुआ था। वो चरस थी। रमेश ने फटाफट उस चरस को निकाल के अपनी जेब में रख ली। तभी नीचे से सिया ने उसे आवाज दी। रमेश फटाफट नीचे गया। नीचे टेबल में सिया ने 2 कप चाय और बिस्किट्स रखे हुए थे। दोनों ने बैठ के चाय पी। कुछ देर बाद सिया ने मैगी बनाई और दोनों मैगी खाकर बेडरूम में चले गए। सिया थकी हुई थी तो तुरंत ही सो गई। उसके सोने के बाद रमेश सीढ़ियों से नीचे उतरा और बैठक वाले कमरे में बैठकर उसने अपनी जेब से चरस निकाली जो उसने बल्ब होल्डर के पीछे से निकाली थी। शिमला में उस वक्त पुलिस की बहुत सख्ती थी। जो भी पहले कभी चरस बेचते खरीदते पकड़े गए थे उन पर पुलिस ने खास नजर रखी हुई थी। इसीलिए उस होमस्टे के मालिक को बल्ब होल्डर के पीछे उस चरस को छुपा कर रखना पड़ा था जिसका ऑर्डर रमेश ने पहले ही दे दिया था। नशा रमेश की कमजोरी थी और सिया को यह पसंद नहीं था। उसने कई बार रमेश को नशा छोड़ने के बदले अपनी कसम भी दी थी मगर रमेश छुप छुपा के नशा कर ही लेता था। रमेश ने एक सिगरेट निकाली और उसका तंबाकू निकालकर अपनी हथेली में रखा और उसमें थोड़ी सी चरस मिलाकर वो उस तंबाकू को अपने अंगूठे से मसलने लगा। उसके बाद उसने वो तंबाकू उस खाली सिगरेट में भरा और फिर सिगरेट जला के उसके बड़े बड़े गहरे कश मारने लगा। 2-3 गहरे कश मारने के बाद रमेश को अच्छा खासा सुरूर चढ़ने लगा। उसके बाद वो खड़ा उठा। अब उसके पैर लड़खड़ाने लगे। कमरे में रखी हुई चीजें उसे इधर उधर चलती सी दिखाई देने लगी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, जो काफी तगड़ा माल था यार, पूरा सिर घूम गया। तभी उसे सीढ़ियों में खड़ी सिया दिखाई दी। सिया ने सफेद नाइटी और उसके ऊपर एक काला ओवरकोट डाला हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे। सिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से में रमेश को देखा और फिर रमेश की तरफ चलकर आई। रमेश लड़खड़ाती आवाज में बोला, अब सिया तुम सोई नहीं? अब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहां आकर बैठ गया, तुम उठी? रमेश कहते कहते चुप हो गया और सिया उसके सामने से गुजरकर दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। रमेश लड़खड़ाते कदमों के साथ उसके पीछे पीछे चल दिया। वो बार बार सिया को आवाज दे रहा था मगर नशे की वजह से उसका सिर इतना घूम रहा था कि वो दौड़कर सिया को पकड़ नहीं सकता था। सिया चलती रही और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। रमेश को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सिया खेत के किनारे पगडंडी में चलती हुई अंधेरे में कहीं गायब हो गई। वो घर से काफी दूर आ चुके थे। घर के बाहर जल रहे बल्ब की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी और रमेश को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जहां तक उस घर के बाहर जल रहे बल्ब की रोशनी पहुंच रही थी सिर्फ वहीं तक थोड़ा बहुत नजर आ रहा था, उसके बाद घुप अंधेरा था। लेकिन तभी रमेश के कंधे पर एक हाथ आया। रमेश ने डर कर तुरंत पीछे पलट कर देखा। पीछे सिया खड़ी थी। सिया बोली, रमेश तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं कितनी देर से तुम्हें ऊपर खिड़की से आवाज दे रही थी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? और ये क्या, तुमने नशा किया है?
चलो सीधे अंदर। मैंने तुम्हें कितनी बार अपनी कसम दी है, मगर तुम्हें मेरी कोई परवाह थोड़ी ना है। रमेश लड़खड़ाती आवाज में बोला, सिया तुम यहां? तुम तो वहां उस तरफ गई थी, और तुमने कपड़े कब बदले? सिया ने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो वो पहनकर वहां आई थी। सिया बोली, मैंने यही कपड़े पहने हुए थे, अभी बदले थोड़ी ना है। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। उसने कमरे के अंदर से सिया को बाहर जाते हुए और उस अंधेरे जंगल में कहीं गायब होते हुए देखा था। अभी सिया उसके सामने खड़ी थी। उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना सिर पकड़ा और सिया उसे संभाल कर घर के अंदर लेकर गई। ऊपर बेडरूम में पहुंचकर सिया ने रमेश को बिस्तर में लिटा दिया और थोड़ी देर में रमेश बड़बड़ाता हुआ सो गया। सिया भी उसके बगल में जाकर लेट गई। अब सिया को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना फोन चेक किया, उसमें रात के 12 बज रहे थे। सिया उठकर खिड़की के पास गई और एक कुर्सी में बैठकर बाहर देखने लगी। दूर उसे शिमला दिखाई दे रहा था। शिमला की झिलमिलाती रोशनी को देखकर सिया को अच्छा लग रहा था। खिड़की से अंदर आती ठंडी हवा उसकी दिन भर की थकान को दूर कर रही थी। सिया ने आंखें मूंदी और खिड़की की चौखट पर हाथ रख के अपना सिर उस पर टिका दिया और ठंडी हवा का आनंद लेने लगी। तभी उसे नीचे मेन डोर खुलने की आवाज आई। उसने नीचे देखा। नीचे रमेश चलता हुआ उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ से अभी कुछ देर पहले सिया उसे लेकर आई थी। सिया ने तुरंत पलटकर बेड की तरफ देखा। रमेश बेड में नहीं था। सिया को पता ही नहीं चला कि रमेश कब बेड से नीचे उतरा और सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर निकल गया। सिया ने रमेश को आवाज दी, मगर रमेश ने सुना ही नहीं और वो लड़खड़ाकर चलता हुआ दूर निकल गया, उसी तरफ जिस तरफ अभी वो थोड़ी देर पहले जा रहा था। सिया ने फटाफट शॉल ओढ़ा और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके सीढ़ियों से नीचे उतरी और घर से बाहर निकलकर उस तरफ जाने लगी जिधर अभी रमेश गया था। बाहर घुप अंधेरा था। दूर दूर तक सिवाय घने जंगल के उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर एक पगडंडी थी जिस पर वो चल रही थी। रमेश भी उसी रास्ते में गया था। कुछ दूर चलने के बाद सिया को कुछ दूरी में एक लालटेन जलती दिखाई दी। उस लालटेन की रोशनी में सिया ने देखा कि एक आदमी फावड़े से जमीन खोद रहा था। सिया उनके करीब पहुंची तो उसने देखा वो जमीन खोदने वाला आदमी रमेश ही था, और वहीं पास में ही वो छोटा बच्चा हाथ में लालटेन थामे खड़ा था। ये वही छोटा बच्चा था जो उनकी कार की पिछली सीट में बैठा था, जो उन्हें यहां तक लेकर आया था। सिया ने रमेश को आवाज दी, रमेश ये तुम क्या कर रहे हो? तब रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने नीचे गड्ढे की ओर उंगली से इशारा किया। सिया ने मोबाइल की रोशनी उस गड्ढे के अंदर डाली और जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस गड्ढे में उसकी खुद की लाश थी, सिया की लाश, जिसका चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था। सिया आंखें फाड़े अपनी लाश को ही देखती रही। तभी अचानक से उसकी लाश ने आंखें खोली और डर कर तुरंत सिया की भी आंख खुल गई। वो अभी भी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई थी और ये उसने एक भयानक सपना देखा था। सिया पसीना पसीना हो चुकी थी। उसने बेड की तरफ देखा, रमेश अभी भी वहीं पर सोया हुआ था। सिया ने हनुमान चालीसा का जाप किया और रमेश के बगल में जाकर लेट गई। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात वो उसी भयानक सपने के बारे में सोच रही थी और सुबह उसकी आंख लग गई। सुबह रमेश ने सिया को जगाया। सिया उठी और उसने देखा बाहर धूप निकल आई थी। सिया बिस्तर से नीचे उतरी तो रमेश ने कहा, सिया ये तुम्हारे कपड़ों में मिट्टी कहां से आई? बिस्तर में भी मिट्टी गिरी हुई थी। सिया ने कहा, पता नहीं, शायद छत से गिरी होगी। रमेश ने ऊपर छत की तरफ देखा। छत में लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियां लगी हुई थी और उन लकड़ी की बल्लियों में कहीं कहीं पर दीमक लगी हुई थी। उनको लगा शायद ये मिट्टी उसी में से गिरी है। सिया ने पूछा, टाइम क्या हुआ रमेश?
इतना कहकर उसने अपना मोबाइल फोन ढूंढा, मगर उसे उसका मोबाइल कहीं नहीं मिला। सिया ने कमरे में हर जगह ढूंढा, तकिए के नीचे, बेड के नीचे, खिड़की के पास, नीचे बैठक वाले कमरे में, किचन में, मगर उसका मोबाइल फोन पूरे घर में कहीं नहीं मिला। रमेश ने उसके नंबर पर कॉल किया, दूसरी तरफ घंटी तो बज रही थी मगर पूरे घर में मोबाइल फोन की रिंगटोन नहीं सुनाई दे रही थी। रमेश ने पूछा, सिया तुमने कल रात अपना मोबाइल कहाँ रखा था, याद करो। सिया बोली, रमेश कल रात मैं उसका फ्लैशलाइट जलाकर बाहर गई थी। इतना कहते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए और वो बोली, पर वो तो मैं सपने में गई थी। फिर उसने अपने कपड़ों और बिस्तर में गिरी मिट्टी की तरफ देखा और उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। सिया ने रमेश का मोबाइल लिया और खुद के नंबर पर डायल करके तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और घर से बाहर निकल गई। रमेश उसके पीछे पीछे भागा। रमेश बोला, सिया क्या हुआ, तुम कहां जा रही हो? सिया ने उससे कहा, रमेश यहां कुछ गड़बड़ है, शायद मुझे मालूम है कि मेरा मोबाइल कहां है। सिया उसी घने पेड़ों के बीच उसी पगडंडी में चल रही थी जिसमें कल रात वो अपने सपने में आई थी। तभी कुछ दूरी पर रमेश और सिया को एक कब्रिस्तान दिखा। सिया ने फिर से रमेश के मोबाइल फोन से अपने फोन नंबर पर डायल किया और तभी उसे उसके फोन की रिंगटोन सुनाई देने लगी। वो दोनों उस आवाज का पीछा करते करते एक खुदी हुई कब्र पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि मोबाइल उस कब्र के अंदर पड़ा हुआ था। रमेश ने तुरंत उस गड्ढे में छलांग लगाई और सिया का मोबाइल फोन बाहर निकाल लाया। रमेश बोला, ये तुम्हारा मोबाइल यहां कैसे आया? सिया बोली, अब सब बताती हूं रमेश, पहले यहां से चलो। सिया दौड़ती हुई घर की तरफ भागी, रमेश भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। घर पहुंचकर सिया ने दरवाजा अंदर से बंद किया, उसके चेहरे में खौफ साफ नजर आ रहा था। रमेश ने पूछा, सिया क्या हुआ बताओगी? सिया बोली, रमेश यहां कुछ ठीक नहीं है, कल रात मैंने एक सपना देखा था। मैंने सपने में तुम्हें उसी कब्रिस्तान की ओर जाते हुए देखा था जहां अभी मेरा मोबाइल फोन पड़ा हुआ था। मैंने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में तुम्हारा पीछा किया तो मैंने तुम्हें उसी कब्रिस्तान में एक कब्र को खोदते हुए देखा। फिर मैंने कब्र के अंदर देखा तो उसमें मेरी ही लाश पड़ी हुई थी और फिर मेरी आंख खुल गई और मुझे पता चला कि वो तो एक सपना था, लेकिन आज मेरा मोबाइल वहां मिला और मेरे कपड़ों की मिट्टी बताती है कि कल रात मैं वहां गई थी और शायद उस कब्र में भी लेटी थी। तब रमेश बोला, हाँ कल रात मैंने भी तुम्हें वहां उस कब्रिस्तान की ओर जाते हुए देखा था। मैं तुम्हारा ही पीछा कर रहा था मगर फिर तुम आई और मुझे वापस इस घर में ले आई। सिया घबराते हुए बोली, चलो रमेश यहां से निकल चलते हैं, यहां कोई भूत प्रेत का साया है। रमेश ने भी माना कि वहां और रुकना ठीक नहीं। दोनों ने फटाफट अपना सामान पैक किया और सीढ़ियों से नीचे उतरकर बैठक वाले कमरे में आए और वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने सिया और रमेश के रोंगटे खड़े कर दिए। उनके सामने फर्श में एक फावड़ा और लालटेन रखी हुई थी। बाहर अचानक से अंधेरा होने लगा, आसमान में काले काले बादल छाने लगे और देखते ही देखते बारिश होने लगी। सिया दौड़कर दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजे को खोलना चाहा, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। बाहर बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। सिया खिड़की से मुंह बाहर डाल के मदद के लिए चीखती रही, मगर उस बारिश के शोर में उसकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। सिया दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर कमरे में गई और उसने अपने मोबाइल में नेटवर्क देखे। मोबाइल में नेटवर्क गायब थे। उसने खिड़की खोलकर बाहर कूदने की सोची, मगर खिड़कियों में तो लोहे के सरिये लगे हुए थे। सिया समझ चुकी थी कि ना दरवाजे से ना ही खिड़कियों से बाहर निकला जा सकता है। वो फौरन सीढ़ियों से नीचे बैठक वाले कमरे में आई, मगर अब वहां रमेश नहीं था। सिया ने रमेश को आवाज दी। उसने बाहर जाने वाले दरवाजे को भी खोलने की कोशिश की, मगर वो भी बंद था। इसका मतलब रमेश घर के अंदर ही था।
सिया रमेश को आवाज देती रही। उसने उसे किचन में देखा, वो वहां नहीं था। तब उसने टॉयलेट की तरफ देखा, उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और वहां से धुआं निकल रहा था। सिया टॉयलेट के पास गई, उसने दरवाजा खोला और देखा वहां रमेश बैठा हुआ सिगरेट के कश मार रहा था। उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थी और ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। उसने फिर से चरस फूंक ली थी। सिया ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिलाया, रमेश रमेश होश में आओ। सिया रमेश के आगे गिड़गिड़ाती रही। रमेश की आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। तभी उसकी आंखों की पुतलियां अपनी सही जगह में वापस आई और रमेश ने सिया को देखा और बोला, सिया सिया मुझे बहुत डर लग रहा है सिया। तभी रमेश ने सिया के पीछे कुछ देखा और डर के मारे जोर से चीखा। सिया ने पीछे पलटकर देखा, मगर उसके पीछे कोई नहीं था। तभी लाइट चली गई और रमेश की भी चीख बंद हो गई। अब सिर्फ बाहर से आती हुई बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी, बाकी और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिया बोली, रमेश 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 जवाब दो, रमेश कहाँ हो तुम? सिया उस अंधेरे में बैठक की ओर बढ़ी। तभी वो अंधेरे में किसी से टकराई और नीचे गिर गई। रमेश रमेश, सिया ने रमेश का नाम पुकारा, मगर रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। बाहर एक जोरदार बिजली कड़की और बिजली की रोशनी में सिया ने सामने देखा। उसके सामने रमेश खड़ा था किसी हैवान की तरह, उसके हाथ में फावड़ा था। सिया रमेश को उस हाल में देखकर बेहद डरी हुई थी और वो जमीन में रेंगती हुई पीछे की तरफ बढ़ने लगी और हाथ में फावड़ा था मैं रमेश उसकी तरफ बढ़ रहा था। बिजली कड़कती रही और कमरे में पल पल भर के लिए रोशनी होती रही। रमेश की आंखों में खून सवार था और वो अब रमेश नहीं बल्कि कुछ और ही बन चुका था। सिया जमीन में रेंगती हुई दरवाजे के पास पहुंची, तभी भड़ाक से दरवाजा खुल गया। दरवाजे में एक छोटा बच्चा खड़ा था। बिजली कड़की और उसकी रोशनी में सिया ने देखा, ये वही बच्चा था जो उन्हें वहां लेकर आया था। उस बच्चे की मुंडी एक तरफ को झुकी हुई थी और उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर को चढ़ी हुई थी। वो अजीब तरह से चलता हुआ कमरे के अंदर आया और उसने लालटेन उठा ली। तब तक रमेश सिया के एकदम ऊपर आ चुका था और उसने सिया को मारने के मकसद से फावड़ा हवा में उठाया, और इससे पहले कि वो सिया की खोपड़ी को उस फावड़े से तोड़कर अलग कर देता, सिया फूर्ती से खड़ी हुई और घर से बाहर निकल गई। सिया बेतहाशा भागने लगी। चारों तरफ अंधेरा था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। कड़कती बिजली माहौल को और डरावना बना रही थी। भागते भागते अचानक सिया के सिर पर किसी ने एक भारी चीज से वार किया और सिया उछलकर धड़ाम से जमीन में गिर गई। उसने उठने की कोशिश की मगर उठ ना सकी और जमीन में गिरकर उसकी गर्दन एक ओर को लुढ़क गई। तभी वहां हाथ में लालटेन लिए वही छोटा बच्चा आया। उसकी गर्दन अभी भी एक तरफ को झुकी हुई थी। रमेश सिया के ऊपर आया, उसने फावड़ा हवा में उठाया और जोर से सिया के ऊपर मारा। बेहोशी में सिया को कुछ आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर सिया की आंखें खुली। उसने देखा रमेश जमीन में फावड़ा चला रहा था, वहीं पास में वो बच्चा हाथ में लालटेन लिए खड़ा था और उसी बच्चे के पीछे सिया ने देखा, वो खुद खड़ी थी और अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए उसी की तरफ देख रही थी। ये बिल्कुल सिया के उस भयानक सपने जैसा था, मगर इस बार सिया उस कब्र के अंदर लेटी थी और एक सिया कब्र के बाहर खड़ी उसे घूर रही थी। तभी कब्र के बाहर खड़ी सिया ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और जोर से चीखी। उसकी चीख के साथ एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज आई और एक झटके के साथ सिया की आंख खुल गई। उसने देखा वो अभी भी रमेश के साथ कार में बैठी हुई थी। उसने बाहर देखा, बाहर सड़क के किनारे एक मील के पत्थर पर उसकी नजर गई। उसमें लिखा था शिमला 2 किलोमीटर्स।
सिया लंबे सफर से थककर कार में बैठे बैठे ही सो गई थी और वो सब जो उसने अब तक देखा वो एक सपना था। मगर सिर्फ सपना नहीं, आगे उसकी जिंदगी में अभी और चरस घुलनी बाकी थी। रमेश और सिया दोनों शिमला पहुंचे। रमेश ने किसी को कॉल किया और कुछ देर बाद रमेश की कार की खिड़की के पास एक आदमी आया और रमेश को चाबी का एक गुच्छा थमाते हुए सिया को घूरने लगा। उस आदमी को देखकर सिया की धड़कनें तेज होने लगी। तभी कार का पिछला दरवाजा खुला और वही बच्चा आकर पीछे बैठ गया। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा सिया ने अपने उस भयानक सपने में देखा था। इस बीच रमेश ने कार की खिड़की के बाहर खड़े उस आदमी से न जाने क्या क्या बातें की। फिर उस आदमी ने रमेश से कहा, ये बल्लू है भाई जी, इसी के घर के सामने आप अपनी कार खड़ी कर लीजिएगा। ये देखकर सिया से और नहीं रुका गया, उसने रमेश से कहा, रमेश ये चाबी वापस कर दो, हम उस होमस्टे में नहीं रुकेंगे, मुझे अभी वापस घर जाना है, प्लीज वापस ले चलो। रमेश बोला, पर बेबी इस वक्त वापस घर नहीं पहुंच पाएंगे। सिया बस अपनी ही जिद पर अड़ी रही। हार मानकर रमेश ने चाबियों का गुच्छा उस आदमी को वापस किया और पीछे बैठा वो बच्चा कार से नीचे उतरकर सिया की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। वो सिया को बड़ी ही अजीब ढंग से देख रहा था, सिया भी उस बच्चे को ही देख रही थी। तभी रमेश ने अपनी कार आगे बढ़ा ली, तब सिया ने उस बच्चे को देखा। वो बच्चा सिया को अजीब ढंग से देखते हुए मुस्कुराया और उसकी आंखों की दोनों पुतलियां गायब हो गई। सिया बहुत ज्यादा डर गई। रमेश ने सिया से पूछा, अब क्या हुआ बेबी, तुम अचानक से ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें, अचानक से तुमने सारा प्लान बदल दिया। सिया बोली, कुछ नहीं रमेश, मैं कुछ नहीं समझा सकती, बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जब तक घर नहीं पहुंचूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। रमेश ने कार वापस मोड़ ली, अब वो सीधे चंडीगढ़ की ओर जा रहे थे। लेकिन एक सुनसान सड़क में चलते चलते उनकी कार बंद हो गई। रमेश को याद आया कि वो शिमला से निकलने से पहले पेट्रोल भरवाना भूल गया था। फिर रमेश ने वापस उस होमस्टे वाले को कॉल करके मदद मांगी। उस होमस्टे के मालिक ने किसी और को कॉल किया और रमेश को बताया कि उसका एक लड़का तेल की एक बोतल लेकर आ जाएगा। रमेश बाहर सड़क किनारे बैठकर इंतजार करने लगा। सिया डरी सहमी सी कार में ही बैठी हुई थी। उसके दिमाग में वही सारे दृश्य घूम रहे थे जो उसके साथ सपने में बीते थे। काफी देर हो गई, तेल लेकर आने वाला वो लड़का अभी तक नहीं आया। सिया ने देखा रमेश अभी भी बाहर सड़क किनारे एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था, उसकी पीठ सिया की तरफ थी। तभी सिया को रमेश के सामने से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। सिया को रमेश का सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। सिया कार से नीचे उतरी और सीधे रमेश के पास गई। उसने रमेश का नाम पुकारते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। रमेश ने पलट कर सिया की ओर देखा। सिया की नजर सीधे रमेश की उंगलियों पर फंसी हुई सिगरेट पर गई। वो भरी हुई सिगरेट थी, चरस से भरी हुई। सिया ने रमेश की आंखों में देखा और जो देखा वो देखकर सिया की आंखें खौफ से बड़ी होती गई। रमेश की आंखों की पुतलियां गायब थी और पूरी आंखों में खून भरा हुआ था। रमेश चरस फूंक चुका था। ये चरस उसी होमस्टे के मालिक ने रमेश को उस वक्त दी थी जब सिया ने शिमला से वापस लौटने को कहा था। जब सिया कार में पीछे बैठे लड़के को देख रही थी और उसी वक्त रमेश और होमस्टे वाला कुछ बातें कर रहे थे, उसी वक्त होमस्टे वाले से रमेश ने चरस की एक छोटी रॉड ले ली थी। तभी सिया के पीछे से आवाज आई, दीदी ये लो पेट्रोल। सिया ने पलटकर पीछे देखा, पीछे वही बच्चा खड़ा था और उसकी आंखों से भी दोनों काली पुतलियां गायब थी। बस तभी सिया के कंधे पर किसी का हाथ आया। सिया डर कर तुरंत पलटी और एक बार फिर से उसकी नींद खुली। उसने देखा बाहर कार की खिड़की पर रमेश खड़ा था, एकदम नॉर्मल। उसे देखकर सिया एक बार फिर से बुरी तरह डर गई। रमेश के हाथ में पेट्रोल से भरी हुई एक बोतल थी। रमेश ने सिया से कहा, क्या हुआ बेबी, तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो, तुम्हारे कहने पर हम वापस जा रहे हैं ना, अब क्या प्रॉब्लम है। सिया बोली, कुछ नहीं, बस जल्दी निकलो यहां से। रमेश ने कार में पेट्रोल डाला
और मुंह बनाता हुआ कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। सिया अपने सपनों से परेशान खिड़की से बाहर देख रही थी। रमेश सामने देखता हुआ कार ड्राइव कर रहा था। तभी कुछ दूरी पर सामने सड़क किनारे एक पुलिस चेक पोस्ट आया। रमेश ने पुलिस देखी तो अपनी कमीज की ऊपर वाली जेब से कुछ निकाल के अपने मोजे में छुपा लिया। वो वही चरस की रॉड थी जो होमस्टे वाले ने रमेश को चुपचाप दे दी थी। पुलिस चेक पोस्ट से गाड़ी आगे निकल गई और घने जंगल के बीच के हाईवे में दूर, बहुत दूर निकल गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।